बिहार में 5 करोड़ गरीबों को मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की बेहतर सुविधाएं जल्द मिलेगी। पटना में संचालित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मेदांता में आयुष्मान भारत योजना के तहत निबंधित गरीब परिवार अपना इलाज करा सकेंगे। इस नवनिर्मित अस्पताल में अभी आउटडोर की सुविधा दी जा रही है। अगले 2 महीने में यहाँ इंडोर इलाज की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में 1.8 करोड़ परिवार लाभार्थी हैं। इनमें कुल 5.50 करोड़ व्यक्ति लाभ के दायरे में आते हैं। इन राज्य व राज्य के बाहर भी सरकारी और निबंधित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं हासिल है। एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत दी गई है। जानकारी के अनुसार बिहार में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2,07,000 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। करीब 53.92 लाख पात्र लाभार्थियों और करीब 25.02 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 833 अस्पताल जुड़े हैं। इनमें 569 सरकारी और 264 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों को अब तक 144 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इन सभी अस्पतालों में भर्ती व डिस्चार्ज के दौरान मरीजों का अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण किया जाता है।